यूटर्न गेट है भाई, अब देख लो हरियाली हरियाली है। यहाँ से पहाड़ क्लाउड्स के कारण से हम ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, तो सामने से ट्रेन जा रहा है। बहुत ही कितना मस्त फीलिंग है। साइड में भी टी गार्डन, ऐसा ऊपर से ऐसा देखो फ्लैग्स झूल रहे हैं, ब्रिज यहाँ पे बहुत सारी ट्रक्स जा रहे हैं। हे भगवान, बहुत राइडिंग हो गया। आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े गड्ढा है, पहला इंप्रेशन तो यही है, बड़े बड़े गड्ढा है, उसके बाद बहुत धूल है। ठीक है, तो जयगांव की हालत कुछ ऐसा है अभी, तो इसको थोड़ा सा सुधारने की तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। भैया भूटान गेट कौन सी साइड होगा? भूटान गेट का इस साइड या फिर इस रोड, इस साइड में। तो अभी हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। भाई यहाँ के नज़ारे देखो, यहाँ पर दोनों रोड इस साइड पे दोनों साइड पे आपके टी गार्डन मिलेगा, आप देख सकते हो। और ये वाला रूट पे बहुत सारा अलग अलग किस्म का पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है, तो फीलिंग तो भाई मस्त है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आइए। तो यहाँ से 17 किलोमीटर और लगेगा, हाँ 16 किलोमीटर लगेगा, और आप देख पा रहे हो 16 किलोमीटर है। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 किलोमीटर का मुझे 2 मिनट करके लगेगा, तो 16 × 2 = 32 मिनट्स, क्या 35 मिनट मान के मैं चलता हूँ, अगर मैं कहीं पे ना रुकूँ तो देखते क्या सीन रहता है। तो जलपाईगुड़ी, माल बाजार, ये सारा जगह भी आप जा सकते हो इस रूट से। दिखता हुआ नज़र आएगा। तो अभी हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, हम अभी और सामने जा रहे हैं। वाओ, यहाँ पर एक बंदर है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको रुकवा देता हूँ। चलो उतरते हैं, थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। यहाँ पर एक बंदर है, आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर क्या है, मंदिर है शायद। तो ये वाला एक रूट है, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है। और सामने मेरा बाइक खड़ा हुआ है, अरे वो सामने से ट्रेन जा रहा है। बहुत ही कितना मस्त कूलिंग फीलिंग है। यहाँ पर एक जय श्री राम भवन पवन पुत्र हनुमान, एक हनुमान मंदिर है। और गाड़ी वगैरह जा रहे हैं, माल बाजार जाएगा। तो गाइस यहाँ पे उठ लेते हैं बाइक पे, थोड़ा सा कितना पावर बाकी है दिखता हूँ। यहाँ पे व्यू ना और भी बहुत मस्त है भाई, अरे बाप, यहाँ के व्यू और भी मस्त है, आप देख रहे हो। वाओ, सो ऑसम ब्रो, जस्ट ऑसम। चलो तो भाई ये ना जो ब्रिज होता है ना, तो दोनों साइड पे लाइट देना तो होता है रात के टाइम पे, क्योंकि सिर्फ बाइक का लाइट पे भाई पूरा हम चला नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी ना बहुत दिक्कत होता है, तो दोनों साइड पे हर एक जगह पे रोड पे तो भाई होना ही चाहिए। तो ये वाला ब्रिज थोड़ा सा 200 मीटर लंबा है शायद, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम और आगे जाएंगे, देखते हैं क्या सीन रहता है। वाओ, नज़ारा मस्त है भाई, पता नहीं यार कौन सी रूट पे जा रहा हूँ। है यहाँ पे ना किसी को पूछना पड़ेगा, तो रेड सिग्नल है भाई। धीरे से पुलिस वगैरह, ऊपर 14 सेकंड और बाकी है, 13 सेकंड, 12, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो हम सीधा जा सकते हैं, अभी सीधा जा सकते हैं, तो किसी से पूछना पड़ेगा। हंस क्यों रहे हो भाई? ओ काकू, जयगाटा कौन दिखे? जयगा কতদিন আর জয়গা জয়গা জয়গা
জয়গা এদিকে না হ্যাঁ কত দূর আর এখান থেকে ওভারব্রিজ ভাই উল্টা রাস্তে পে চলা গয়া থা अभी ना खुद को थप्पड़ देने की इच्छा कर रहा है। वैसे ही इतना गरीब हूँ, पेट्रोल ज़्यादा नहीं है रहता उसमें, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है, उसके बाद ये सारा कांड हो गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। क्या यार, जीवन में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, सिर्फ बुक पढ़ के एडुकेशन नहीं आते, आपको बाहर निकलना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए। जैसे हम लोग सिर्फ बुक पढ़ के लोगों से सुन सुन के ऐसा है, तो जब तक आप रोड पर नहीं उतरोगे, एक्सपीरियंस ना होगा आपका, आपकी ऐसी हालत होगी होगी भाई। अभी देखो 10 किलोमीटर पीछे चल रहा हूँ, उधर पे टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अच्छी आइस, थोड़ा क्या बोल सकते हैं, अभी नसीब अगर ख़राब होता है तो कुछ कर भी नहीं सकते बाबू। कोई नहीं, अभी तो हाँसी मारा, अभी देखता हूँ कितना दूर बाकी है। इससे आए थे ना, इसी ब्रिज को फिर से वापस जा रहे हैं, तो आप गलती ऐसा मत करना। बस यहाँ पर पुलिस वगैरह की गार है, थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक साइड दिखा रहा है, जाएगा ये साइड, हाँसी मारा ये साइड, ये साइड ये देगी तो हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ से दिखा रहा है जाएगा। हाँ, वैसा कोई साइन नहीं था, हम ऐसे से सीधा निकल जा रहे थे, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था हमको। तो आप यार किससे पूछो, जिससे पूछ रहा है तो वो भी बोल रहा था हाँ सीधा जाओ। ठीक ब्रिज, यहाँ पे बहुत सारी ट्रक्स जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पिक्चर वगैरह खींच रहे हैं, और हम थोड़ा आगे जाएंगे। हे भगवान, बहुत राइडिंग हो गया, यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना लोग क्यों। यहाँ से जयगांव और 16 किलोमीटर दूरी पर है, तो और भी आधा घंटे के करीब लगेगा, तो मैं जल्दी जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, लेकिन कितना ही हो सकता है हमसे यार, मैं रोबोट थोड़ी हूँ। गाइस, यहाँ का नज़ारा देखो आप, कितना ही सुंदर है, बहुत प्यारा है, हरियाली है यार। यहाँ से पहाड़ क्लाउड्स के कारण से हम ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा सामने है जयगांव हंसी मारा, यानी कि हम भूटान के और भी नज़दीक जा रहे हैं। पता नहीं हम घुस पाएंगे कि नहीं, बॉर्डर अगर बंद हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, क्या सीन रहेगा। देख सकते हैं अब नज़ारा भाई, ऐसे इस रूट पे आपको ऐसे ही मिलेगा पूरा भरपूर आनंद। आप देखो और सामने पहाड़ हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से जयगांव और 10 किलोमीटर दूरी पर है, हमें बहुत एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, पर लामा बाज़ार करके एक जगह है, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ अभी तक, तो कितना टाइम और लगेगा तो भगवान ही जाने। स्पीड अपना टाइम के हिसाब से बाइक थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखो यहाँ से पहाड़ मुझे तो देख रहा है प्रॉपर, आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, ठीक है। और जितना सामने जाएंगे अच्छे अच्छे फुटेज आपको मिलेगा, आप थोड़ा बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ से जयगांव और 7 किलोमीटर दूरी पर है, आप देख पा रहे हो पारो है 48 और पासा का 8, पारो 154 शायद, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह चेकिंग वगैरह हो सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे से जाता हूँ। और यहाँ पे तो कोई रेड लाइट वगैरह तो अभी तक नहीं है, और यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, तो इस वाले रूट से पाशा का जाता है शायद, तो उसका गार्डन टी गार्डन, तो यहाँ से आपको सीधा जयगांव की तरफ निकलना होगा। तो वहाँ पर ना पीछे जो आप पॉइंट देखे थे, वहाँ पर आपको चेकिंग के लिए रुकेगा, मतलब कभी कभी चेक करता है, तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके चलिए। और
इस वाले ब्रिज पे मैं पिक्चर खींचे थे 5 साल पहले। यहाँ से देखो वो इधर उतना जैसे ज़्यादा उतना कुछ तो मतलब हम या फॉग बोल सकते हो या फिर पॉल्यूशन बोल सकते हो, पता नहीं, हम मतलब आपको सही से दिखा नहीं पा रहे। देख ठीक है, हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो आगे जाना पड़ेगा। जो तोरशा रिवर कैफ़े आप नाम सुने हो, तोरशा रिवर साइड कैफ़े, वो उस रूट से जाते हैं। कोई ऐसे स्पीड ब्रेकर देता है भाई? देखो भाई, टी गार्डन, इस साइड में भी टी गार्डन, ऐसा ऊपर से ऐसा देखो फ्लैग्स झूल रहे हैं, और यहाँ से पहाड़ थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने की लग रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और चलो थोड़ा और आगे जाते हैं, जयगांव पे इंटर हो चुके हैं, आप देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा नज़ारा यहाँ के, मतलब यहाँ से शुरू होता है और आगे हम जाएंगे, देखते क्या 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 मिलता है भाई। आपको आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े गड्ढा है, पहला इम्प्रेशन तो यही है, बड़े बड़े गड्ढा है, उसके बाद बहुत धूल है। ठीक है, तो जयगांव की हालत कुछ ऐसा है अभी, तो इसको थोड़ा सा सुधरने की तो कोशिश जारी रखनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, जब बाहर के देश से लोग इंडिया में घुसेंगे तब तो मतलब इम्प्रेशन, पहले इम्प्रेशन ख़राब लगेगा ना, उस हिसाब से तो हमको, हम लोगों को मतलब जो भी यहाँ के जो भी इंचार्ज है, आपको यहाँ के थोड़ा सा सुधार करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जानो। जाएगा पे तो इंटर हो चुका हूँ, यहाँ पर पहाड़ आप देख ही पा रहे हो, ये वाला है बस स्टेशन, यहाँ से आप कुचबिहार जा सकते हो, यहाँ से आप अलीपुरद्वार जा सकते हो, यहाँ से आप सिलीगुड़ी भी जा सकते हो। तो चलो थोड़ा देखते हैं और क्या सीन रहता है। आपको उतना अच्छा फील नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्यों यहाँ पे ऐसे हम उठ रहे हैं जैसे पहाड़ के ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ से ना हमको किसी को पूछना चाहिए। गाँव की हालत है, यहाँ से दो मिनट लगेगा, कोई एक बंदा बोल रहा था भूटान गेट, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। बाप रे, धूल है, बहुत धूल है भाई। भैया भूटान गेट कौन सी साइड होगा? भूटान गेट कहाँ से? इस साइड या फिर इस रूट? इस साइड में दादा भूटान गेटा कौन दिखे? यह कुछ जायगाओं की हालत। चलो भाई थोड़ा देखते हैं क्या सीन रहता है, और आगे जाएंगे हम। हमारे सामने हो
भूटान गेट है। हम अभी देखते हैं भाई, जाने की कोशिश करेंगे। वोटर कार्ड वगैरह सब कुछ निकलना पड़ेगा अभी। भूटान गेट है भाई, देख लो।